टाटा 5530 लोड गाड़ी, वजन कितना है 42। लोड गाड़ी में थोड़ा दिक्कत होती है, टायर आपके बहुत बढ़िया हो रहे हैं अब परले वाले। आदमी देखते हैं अभी नई गाड़ी है, नई कमानी है, हार्ड होगी, मतलब वो बात नहीं है। और दोस्तों 4 पटे मतलब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा 5530 लोड गाड़ी, वजन कितना है 42। दोस्तों 42 टन माल है, थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है, बाकी देखते हैं, खोलते हैं और क्या करते हैं, आप भी देखिए, कमानियों में देना है दम। और दोस्तों ये अपने सब्सक्राइबर ही हैं और लोकल यहीं से ही हैं हमारे मुजफ्फरनगर से, तो पिछले चक्कर इनके मैंने टायर बिल्कुल सही करके लगवाए थे, क्योंकि इन्हें कई कह रहे थे कि एक्सल होगा और मैंने इनको मना कर दिया था, एक्सल की दिक्कत नहीं है, टायर तो तुम्हारे सही हो गए सारे। नहीं टायर तो सही हो गए भाई, ये ओट नहीं चलेंगी, ओट इंटो की ले आओ, ये टूट जाएगा, सीमेंट ही तो है, ईंट ले लो, ईंट परली साइड बहुत बड़ी। तो दोस्तों ये है लोड गाड़ी और ट्रेलर में है 42 टन माल, अंडरलोड ही है गाड़ी के हिसाब से। और पहले तो हम इसको मतलब मना ही कर रहे थे इनके मालिक साहब को, कि मैंने कहा भाई रहन दो भाई, अगले चक्कर खाली लिया ना, लेकिन चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्क तो हर काम में ही होता है, तो इसकी हमने खोलेंगे हम इसकी दोनों कमानी। और दोस्तों कमानी दम तो दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन दम देने का कोई वैसे फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों आप भी कहोगे कि दम देने का फ़ायदा क्यों नहीं है, और वो इसलिए नहीं है दोस्तों, बताऊंगा आपको सारी डिटेल। तो लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ ऐसी कमानी दम देने का क्यों फ़ायदा नहीं है, और जबकि 4 महीने पुरानी टाटा की 5530 गाड़ी है और इनका घोड़ा है, सिर्फ मार्च में ही गाड़ी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसकी कमानी भी खोलनी स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों आइए खोलो, जैक जैक ये चूड़ी वाले ले ले, अब गाड़ी तेरी होगी, टायर साले यहाँ उठा दिया ऊपर, दे लोड गाड़ी में थोड़ा दिक्कत होती है, साला 55 टन मैं गाड़ी का माल, तो 55 टन तो होगा इसमें कम से कम, क्यों भाई मैं गाड़ी का बिल्कुल बिल्कुल हाँ व्लॉग तो डलता ही है, चैनल है ना अपना यूट्यूब चैनल, काम तो वैसे खाली का है हो, लेकिन ये है कि चलो कितने, हाँ नहीं वो मैं तो करी हमने लेकिन हिसाब नहीं बना, हिसाब तो बन जाता बस, वो तुम थोड़ा सा ये करके इनको वहाँ खाली जाएगी गाड़ी पंजाब, हाँ वो वहाँ से खाली आगे बन जाता बस, हाँ लेकिन यहाँ का माल नहीं मिला क्योंकि इधर बारिश हो रही ना, तो काम धंधे मंदे हैं, चलो कोई नहीं। ये भारत बैंक का यही जुगाड़ बढ़िया भाई, हाँ पत्ते से वो काटो रबड़ के और पीछे खोल दो, बैंक की गाड़ी मतलब मजबूती में भी हर चीज़ में आगे है, कोई भी चीज़ है, फ्रेम है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा, हाँ। ये तो टाटा के अब बढ़िया हो गए डिफरेंसर, पहले हल्के बहुत थे। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके, आई हो बढ़िया ही होगे, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ट्रॉली मतलब खाली करने करने में, इसमें 42 टन माल है और गाड़ी खाली करने करने में, मतलब पहले हम सोच रहे थे कि ट्रॉली को मतलब डेगो पर खड़ी करके पैरों पर छोड़ के और घोड़ा निकाल लेंगे, लेकिन वो रिस्की था। तो फिर मैंने दोस्तों दिमाग घुमाया, मैंने कहा हम घोड़ा निकालते नहीं उसमें। दोस्तों जिस टाइम हम लोड गाड़ी में घोड़ा निकालते हैं और फिटिंग कर मतलब फिट करते हैं घोड़े को, तो झटका लगने से मतलब ट्रॉली लोड है तो झटका लगने से गिरने के आसार बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, इसकी ट्रॉली के बीच में जैक लगाते हैं जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। और थोड़ी सी दोस्तों दिक्कत तो आई, 1 से 1.5 घंटा लग गया हमें गाड़ी खाली करने करने में, क्योंकि देखो दोस्तों थोड़ा रिस्क का काम होता है, बिल्कुल चारों तरफ जैक घोड़ियाँ लगाने पड़ते हैं। और दोस्तों वैसे ये मालिक साहब पिछले चक्कर मेरे पास गाड़ी लेके आए थे लगभग 20-25 दिन पहले, तो उस टाइम भी गाड़ी ये लोड थी और इनके मतलब पिछले जो ट्रॉली के टायर हैं मतलब चारों जोड़े ना बहुत बुरी तरह खा रखे थे, और मेरे पास लेकर आए थे, इन्होंने कई मिस्त्रियों को दिखाया तो उन्होंने सबने इनको 90% यही बताया कि आपके एक्सल होंगे, कोई कह रहा रिम चेक होंगे,
तो मैंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मेरे पास 20-25 दिन पहले आए तो इनका ट्रस्ट मेरे पास वहीं से बन गया था, तो मैंने इनके कोई एक्सल नहीं करे। और दोस्तों सिर्फ मैंने इनके जो टायर थे उनकी पोजीशन सही लगवाई और टायर सही हो गए। तो दोस्तों ट्रस्ट कमाना ही बंदे का बहुत बड़ा मतलब, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ट्रस्ट बनेगा तभी आपके पास कस्टमर रुकेगा और काम करवाएगा। लेकिन देखो ये चीज़ कह के नहीं होती, ये बंदे को देखकर ही पता लगती है। तो चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों हम कमानी इसकी खोल लाए हैं 55-30 की और इसमें देंगे हम दम। और जो वो वजह जो मैंने आपको बताई थी भी कमानी दम देने का, दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे यूँ लगा। बाकी आपकी क्या राय आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और वो मैं जब कमानी मिलाऊँगा जब आपसे पूछूँगा और बताऊँगा भी आपको। टायर आपके बहुत बढ़िया हो रहे हैं अब परले वाले, पिछले ट्रॉली के कह रहा मैं, देखे नहीं उरले वाले तो खाई रखा था, वो तो बहुत बराबर हो गया टायर, अभी और होएगा। तो दोस्तों इनके मालिक साहब को मैं यही पूछ रहा था कि मैंने कहा आपके टायर बिल्कुल सही हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कोई आदमी को अगर बता रहा हो, मालिक को बता रहा हो कोई मैकेनिक कि आपके एक्सल होंगे और पैसा बिना खर्च करे उनके एक्सल भी बच जाएं और टायर भी सही हो जाएं, तो इससे बड़ी खुशी मतलब ड्राइवर या मालिक के लिए क्या होगी। तो इनके साथ ऐसा ही किया मैंने, तो मैंने इनका कोई एक्सल नहीं खोला। मैंने इनको कहा था अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई मुझे गाड़ी चेक कराना, और ये अब गाड़ी भी चेक करवा रहे हैं और कमानियाँ भी करवा रहे हैं। तो कमानी खोल के मैंने रखी है और सामान लेने वो जा रहे हैं, मालिक भी जा रहे हैं और ड्राइवर साहब भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मैंने भेज दिया है। दोस्तों इनके हेल्पर में पट्टा एक एक पट्टा बढ़ाएंगे इसमें। तो लीजिए दोस्तों हेल्पर के पट्टे ले आए हैं, और दोस्तों टोयो के पट्टे हैं, मतलब जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है इन पट्टों का। टोयो के हैं, जय के हैं, मेरे फर्स्ट नंबर पर टोयो के पट्टे हैं, उसके बाद जय कंपनी के पट्टे आते हैं, उसके बाद तो फिर बहुत कंपनी हैं, अकाल है, आकार है, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी बेस्ट है, सबसे टॉप, हर टॉप लेवल का पट्टा है दोस्तों ये टोयो कंपनी का। और ये एक एक पट्टा हमने दोस्तों दो कमानियों में दो ही पट्टे बढ़ाने थे, लेकिन हमने ये तीन क्यों मंगवाए हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टूटा हुआ है। और ये हम क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। और दोस्तों ये हम जो कमानी के ऊपर का जिसमें रकाब इसमें डलती है इसको हम करेंगे फेस, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी मोटा दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें मतलब रकाबे अगर हमने एक एक पट्टा बढ़ाया तो रकाबे हमें करनी पड़ेंगी चेंज, तो यू बोल्ट हम चेंज नहीं करेंगे, वो ओरिजिनल ही रहने देंगे। तो इसलिए ये ठिप्पे को कम से कम हम आधी इंची इसको फेस कर देंगे, जिससे कि वही रकाबे हमारी काम आ जाएं। आधी से पौनी इंची से फेस करेंगे तो काफ़ी इसे फेस कर देंगे। तो आपको जब हम कमानी फिट करेंगे तब आपको मैं दिखाऊँगा कि कितना ये फेस हुआ है। तो दोस्तों कमानी मैंने मिलानी स्टार्ट कर दी है, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ जो इसमें कमानी है दोस्तों, ये कमानी में सिर्फ 4 इंच दम था जब ये मैंने खोली है, मतलब मैंने बिल्कुल दम देने से पहले, मेरे में ये आदत है दोस्तों, मतलब मैं कमानी दम देने से पहले इसमें उसमें दम ज़रूर नापता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे मिस्त्री हैं जो दम नापते नहीं हैं, अंदाजे से ही दम दे देते हैं और फिर वो कम ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी कभी एक साइड दबती है कभी दूसरी साइड दबती है। तो मेरे में वो चीज़ नहीं है, दम मैं रखता हूँ इक्वल और नाप तोल के ही दम देता हूँ। दोस्तों जो दम देना चाहिए वो नाप तोल कर ही देना चाहिए दम, क्योंकि इससे बैलेंस का पता रहता है। वो एक अलग बात है कि एक दो सूत ऊपर नीचे हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन अगर आधी इंची या एक इंची का ऊपर नीचे लेवल हो तो वो नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि कंडक्टर साइड अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं दे रहा हूँ दोस्तों दम। तो दोस्तों 3-4 पट्टे तो जो इसके मेन और मादीन है, और जो इन्होंने बढ़वाया था पट्टा, और ये किसी से इन्होंने भरवाया था मतलब दम नहीं दिया था। मैंने कहा आपने ये उसी टाइम यही गलती करी, मतलब जब आपने पट्टा डलवाया था मतलब बढ़वाया था नई गाड़ी के बाद लेने के बाद अभी 3 महीने पहले, तो जब ही दम दिलवाना था। अब जिनसे इन्होंने पट्टा बढ़वाया था उस भाई के पास पावर प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस नहीं थी, तो इन्होंने खाली पट्टा बढ़वाया तो गाड़ी इनकी तब भी दब रही थी। अब मैंने कहा आप चिंता ना करो पट्टा बढ़वा ली, ये पट्टा है वो दोस्तों जो बढ़ाया था पट्टा बहुत बढ़िया है, हार्ड पट्टा है। और मतलब एक चीज़ का हमें पता लग जाता है दोस्तों, जब हम ठिए पे कमानी मिलाते हैं तो हार्ड पट्टे का पता लग जाता है अलग ही, मतलब उसके मिलने से पता लग जाता है भी ये पट्टा इतना हार्ड है या इतना पट्टा नरम है। और दोस्तों जो इसकी कंपनी के पट्टे हैं ना, जो इसके बाद अब मैं मिलाऊँगा, अभी उसकी भी औकात मैं बताऊँगा आपको उन पट्टों की, पहले तो इस पट्टे के बारे में ही आपको बता देता हूँ मैं। जो ये हार्ड पट्टा है दोस्तों, मतलब पूरी कमानी का जोर ये अकेला पट्टा ही लेगा, ऊपर के 4 पट्टे इतने बढ़िया निकले ये हार्ड पट्टे,
लेकिन कंपनी से ये उम्मीद नहीं थी। मतलब बताओ, चार पट्टे मिलाने के बाद अब जो ये वाला पट्टा है ना दोस्तों, तीन पट्टे हो गए, तीन है या चौथा होगा, लेकिन ये कंपनी के पट्टे हैं अब नीचे सारे। और दोस्तों कंपनी के सारे ही हैं, सिर्फ एक ही इन्होंने बढ़वाया था, लेकिन नीचे के पट्टे इतने नरम हैं दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता था। और बिल्कुल मिट्टी कह सकते हैं, मिट्टी से मतलब है कि बस थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रेस से ही पट्टा इतनी जल्दी प्रेस हो रहा था, मतलब हमें पता लग जाता है। क्योंकि दोस्तों जब प्रेस उसे दबाती है तो अगर जो बिल्कुल नरम पट्टा होगा वो तो एकदम दब जाएगा, और जो हार्ड होगा इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए कि वो दबे ना और एकदम टूट जाए कंच की तरह, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हार्डनेस हो, ऐसी हो कि मतलब जोर ले, प्रेस को भी पता लगे हाँ भी कोई चीज़ रखी है नीचे। अब ये पट्टे ऐसे मिलते जा रहे हैं, और ये सामने ड्राइवर बैठा है, मैंने ड्राइवर को दो बार कहा, मैंने कहा भाई पट्टे बिल्कुल आपके मिट्टी हैं। तो ये चीज़ दोस्तों, एक चीज़ होती है अगर नरम पट्टे हैं ना, बताओ चार महीने पुरानी गाड़ी है, अब कोई 10 साल पुरानी 8 साल पुरानी हो तब भी थोड़ा बहुत समझ आता है, तो ये समझ नहीं आता अभी 5-4 महीने पुरानी गाड़ी में ये दिक्कत आएगी। लेकिन चलो खैर, हमने दम देना है, लेकिन इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, गाड़ी थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, जबकि जब भी देखेंगे अगर ऐसी कोई बात हुई तो पट्टे इनसे कह के मैं ये नीचे वाले सारे ही चेंज कराऊंगा, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भविष्य में, फ्यूचर में। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और इसमें कमानी में दम देने के बाद ये कंडक्टर साइड में हल्का सा मैं ज़्यादा दम रखूँगा, उसके बाद ड्राइवर साइड की खोल के उसमें दम दिया जाएगा, उसका एक या एक आधा सूत मैं कम रखूँगा, क्योंकि ड्राइवर साइड में हल्का सा कम दो तो वही बेटर है। तो दोस्तों ये तो दम मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन इस टाइम रात के जब मैं ये एडिटिंग कर रहा हूँ तो रात के 1:30 बज रहा है। आप भी कहोगे मतलब रात को 1:30 बजे, देखो दोस्तों सारा दिन काम करके जाओ, और आप भाइयों के लिए इतने प्यार से मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो सिर्फ एक लाइक के साथ साथ एक शेयर भी कर दिया करो, और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, इतने प्यार से आपके लिए वीडियो वगैरह बनाता हूँ, आपको नॉलेज के लिए भी बताता हूँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो, सब्सक्राइब जरूर करा करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लिया करो। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस भाई के साथ या तो मैकेनिक है, तो ये नरम कमानी मतलब बिल्कुल नई गाड़ी की 2-4 महीने में मिलाते वक्त किस किस के साथ तो ऐसा हुआ है कि उसको नरम कमानी मिली हो, जैसे मुझे आज ये मिली, ऐसी मिली बिल्कुल नरम कमानी, और किस किस मोटर मालिक जो अपनी वीडियो देखते हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि कमानी दम देने के बाद भी दोस्तों दबती हो, लेकिन ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस भाई के साथ ऐसा हुआ है और किस मोटर मालिक के साथ अपने ऐसा हुआ है। क्योंकि देखो दोस्तों, मतलब जो टाटा ही कमानी होती है ना थोड़ी सी, ये तो नरम ही निकलती हैं, कोई भारत बेंच हो, लेलैंड हो, आइसर हो, तो इन गाड़ियों की कमानियाँ कभी आज तक मैंने मेरे लाइफ में, देखो 22-23 साल हो गए मुझे भी काम करते हुए, मेरी लाइफ में आज तक कभी इतनी नरम कमानी इन गाड़ियों की आई नहीं है। अगर आगे भविष्य में या फ्यूचर में कोई आए गाड़ी वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये टाटा ही कमानी मतलब गाड़ी आप 42 टन की दे रहे हो तो थोड़ी सी कमानी में भी तो हार्डनेस या कुछ बढ़िया चीज़ पट्टों में देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ी सी हार्डनेस होगी, पट्टे बढ़िया होंगे, मजबूत होंगे, थोड़े से मोटे होंगे, ये सिर्फ 16 mm पट्टे हैं दोस्तों, कम से कम 18 या 20 mm तो दो, थोड़ा वजन सहन लायक तो दो, मतलब इतने कमानी के पट्टे होने चाहिए कि जो कंपनी वजन अंडरलोड के हिसाब से इसमें करती है, मतलब 42 टन के हिसाब से गाड़ी बनाई है, उस वजन को सहने लायक पट्टे होने चाहिए। अब पता लगे हम दम भी दें और उसके बाद काम ना बने तो वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। अगर ऐसी बात होगी तो इन पट्टों को जितने भी नरम हैं मैं चेंज करूँगा, वो बाद की बात है, लेकिन गाड़ी अगर, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ही सही चले, अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बाद की बात में देखेंगे। और दोस्तों एक सवाल और, किस किस भाई ने मतलब लोड गाड़ी में कि 40-45 टन माल हो और वो भी घोड़ा ट्रॉली हो, मतलब किस किस भाई ने मुझे कमेंट करके बताना किस किस भाई ने इसमें दम दिया है, 55-25 हो या 55-30 में, तो आप कमेंट करके बताना, कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा मैं उनके, जो भी भाई हमें कमेंट करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत रिस्क ज़रूर रहता है भाई, गाड़ी कहीं पर हल्की सी डोल ना जाए या जो भी है, तो सब बताना आप कमेंट करके।
दोस्तों आप एक और चीज कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ये जो गाड़ी कंपनी ने 42 टन के हिसाब से दी है अंडरलोड, ये मतलब 42 टन वजन सहन करने लायक कमानी है या नहीं, आप कमेंट करके बताना। खाली में तो अब तक कपड़ा आता है, इसके पट्टे इतने ज़्यादा नरम हैं, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, 3-4 पट्टे इस कमाने में बहुत नरम है, और जबकि नई गाड़ी में भी सारा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं दोस्तों, इस कमाने में मतलब अभी 4 महीने पुरानी गाड़ी है, ये भी मार्च में 55-30 नई डाली थी एक ड्राइवर साहब, और कमानी के पट्टे इतने नरम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब आदमी देखता है अभी नई गाड़ी है, नई कमानी है, हार्ड होगी, मतलब वो बात नहीं है, थोड़ी सी ये मतलब मुझे दिक्कत दिखी इस गाड़ी में। और ये देखिए दोस्तों, जो हमने कमानी का ठिप्पा इसका फेस किया है, कम से कम आधी से पौनी इंची हमने इसको काट दिया है, क्योंकि इसमें रकाबे अब आ जाएंगी इनकी ओरिजिनल ही। देखो जो चीज़ अपने मालिक साहब की ड्राइवर की अगर बचती है तो उसे बचाओ दोस्तों। और पैराबॉलिक कमानी है दोस्तों, इसमें जो हेल्पर में है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसको उसी के हिसाब से मैंने दम दिया है, तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल दबेगी नहीं, मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप गाड़ी तो चलाओ, लेकिन थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, जो नीचे के नरम है ना पट्टे, कम से कम 5-6 पट्टे एक कमानी में, उधर की साइड भी ऐसे ही हैं और इस साइड भी ऐसे ही हैं, बाकी देखने में लगता है, लेकिन परली साइड जब मिलाऊँगा तभी पता लगेगा। और इधर दोस्तों ये देखिए, ये देख रहे हैं हमारी वीडियोस, और ये भाई पूछ रहे थे कि आपका भी चैनल है, तो मैंने कहा बिल्कुल हमारा चैनल है, और इन्होंने सब्सक्राइब भी किया और वीडियो देख रहे हैं बकायदा, और इन भाइयों की तरह ही मतलब आप भी हमें इतना ही प्यार करते हैं जितना ये भाई हैं, मतलब इन्होंने कहा कि हम भी आपकी वीडियोस देखा करेंगे, तो दोस्तों ऐसा ही प्यार बनाए रखें, आपके लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और इधर की कमानी दोस्तों लगभग फिट कर दी गई है, और ये देखिए दोस्तों रकाबे पूरी आ गई, मतलब एक एक भोली डली है और रकाब के नट भी पूरे आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है जब ऐसा काम हो जाता है, मतलब नहीं तो 450 रुपये की एक रकाब है दोस्तों, 2000 रुपये की रकाबे डलती दोनों कमानियों में, लेकिन इनका काम हमने ऐसा ही कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऊपर से ठिप्पा काट दिया और इसमें रकाबे हमने डाल दिए, तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो दोस्तों एक साइड की कमानी करने के बाद अब हो रहा है लंच का टाइम, क्योंकि दोस्तों 1:30 से 2 बज चुके हैं और परली साइड में टायर लगवा दिए हैं और इधर की साइड का हेल्पर का दोस्तों पटा नीचे का टूटा हुआ है, इसलिए हमने एक पटा एक्स्ट्रा मंगवाया है। बताओ 4 महीने में पटा भी टूट गया। नई नई गाड़ियों में दोस्तों पट्टे भी टूट रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, मतलब नरम पट्टे भी निकल रहे हैं, हेल्पर के पट्टे भी टूट रहे हैं, वो भी 4-5 महीने के अंदर अंदर। दोस्तों मुझे ये चीज़ ही नहीं अच्छी लगती, मतलब टाटा कंपनी की, मतलब पट्टे भी नरम निकले और पट्टे भी टूट गए। बताओ 4-5 महीने हुए हैं अभी गाड़ी आई को। और दोस्तों बस लंच करने की तैयारी है। अब मैंने विपिन को कहा पहले लंच कर लो, आधे घंटे का रेस्ट भी करो। और एक कमानी दोस्तों कनेक्टर साइड की हो गई है और लंच के बाद आपको दोबारा मिलते हैं, लंच करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, Later. तो दोस्तों जब तक मैं लंच करके आया, विपिन ने मतलब लड़कों ने कमानी मतलब टायर खोल के और कमानी भी खोल के अंदर ले गए हैं। मतलब बताओ लोड गाड़ी में दोस्तों जैक भी हमने 5-5, 6-6 लगा रखे हैं। तो ये होता है दोस्तों थोड़ा सा रिस्क। अब खाली गाड़ी हो तो जब मर्जी कमानी खोलो, एक जैक पे ही कमानी खुल जाती है। और इसको भी सेम ऐसे ही दम देंगे जैसे हमने उस कमानी का दम दिया है। और उधर दोस्तों वो क्रॉस मेंबर की भी वीडियो आपको डालूंगा, वो दोस्तों पीछे से गाड़ी लग गई थी तो उसके सबसे पिछला जो क्रॉस मेंबर होता है वो बिल्कुल मतलब बेकार हो गया था, तो उसको हमने सीधा करा प्रेस के ऊपर। और मैं कमानी कर रहा था तो पापा विपिन के साथ लग के मतलब उन्होंने क्रॉस मेंबर करवा दिया बिल्कुल सही, और वो थोड़ा बहुत वेल्डिंग था तो उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में।
तो दोस्तों टाटा 55-30 हमने लोड गाड़ी में इसमें दिया है पिछली कमानी में दम। और दोस्तों चार पटे मतलब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाटा के ओरिजिनल पटे हैं, 4-5 महीने पुरानी गाड़ी है। और दोस्तों नीचे के पटे इतने मिट्टी हैं, मिट्टी से मतलब इतने नरम हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, ये उम्मीद नहीं थी मतलब टाटा से। तो चलो आपको पूरी वीडियो में डिटेल मिल चुकी है। तो काम दोस्तों गाड़ी बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो में बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दोबारा मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय।